सलमान खान गेटअप में आए, इन्होंने कोई मुंडी अलग से नहीं लगाया, ओरिजिनल है सब गॉड गिफ्ट है, लेकिन असली सलमान खान तो असली सलमान, हाँ असली सलमान भाई तो असली सलमान भाई रहेंगे, ये अगर उनसे पहले आ जाते तो ये असली होते थे, याद रख सही है गलत है, असली सलमान भाई तो असली सलमान भाई रहेंगे, और मैं उनसे इंस्पिरेशन लेके आज जो भी हूँ, मैं उनके उनसे इंस्पिरेशन लेके जो भी मैं वर्क करता हूँ वो सब सलमान भाई की देन है। तो सर आपको किससे मतलब कब आपको लगा मैं सलमान खान के तरह? एक्चुअली बचपन से मुझे बोलते थे, लेकिन मैं इस प्रोफेशन, मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई प्रोफेशन होता है, लेकिन मैं जब सलमान भाई को देखता था टीवी में तो एक्चुअली मैं उनके सोशल वर्क से इंस्पायर हुआ था, और उससे इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि या मैं यदि जूनियर सलमान करूँगा तो ये जो मेरे जो फ़ैन बन रहे हैं जो कि एक्चुअली सलमान भाई के फ़ैन हैं, तो इनको भी मिला के मैं सोशल वर्क को आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि सलमान भाई का जो फ़ैन क्लब है वो बहुत बड़ा टारगेट है मेरा, तो इसलिए जैसे सलमान भाई करते हैं एक्चुअली बाकी फैंस को मैं मोटिवेट करता हूँ और उन लोगों को सोशल वर्क के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ। कौन सा सोशल वर्क में आपने देखा कि सलमान खान आप मोटिवेट हुए? कौन से वर्क? सलमान खान बहुत सारे सोशल वर्क, वो कौन से सोशल वर्क से प्रेरित? मैं हर मतलब उनका जो वो पौधा जो ऑरा है उनका, मतलब जो सोशल वर्क करते हैं, मतलब वो हर पल में हर क्षण में वो सोशल वर्क करते ही रहते हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके आज सभी फैंस सोशल वर्क कर रहे हैं, जैसे कि उनने स्वच्छ भारत के लिए अपने फैंस को नॉमिनेट किए थे उनके फेसबुक के पेज में, और इसके अलावा वो मतलब मैं मुंबई जब से आया हूँ तो मैं सुनता रहता हूँ कि भाई उनके घर के सामने भी मतलब एवरी सैटरडे और संडे को छोड़ के एवरी डे मतलब वहाँ पे बीइंग ह्यूमन की तरफ से ये देखा जाता है कि भाई किसकी क्या तकलीफ़ है, वो डॉक्यूमेंट्स लाते हैं और फिर उसके हिसाब से बीइंग ह्यूमन की तरफ से उनको पैसा दिया जाता है, और ये सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच में होता है। अब बताइए आप, मैं इतना बड़ा काम हो रहा है तो उनसे प्रेरणा लेके आज वो मेरे आइडियल हैं और मैं उनकी वजह से हूँ जो भी। सर आपका जो ये गेटअप है पांडे जी का गेटअप, जी हाँ, तो उनकी फिल्म जो दबंग थी है वो अगले साल आने वाली, तो ये आपने कुछ कहाँ से लिया मतलब ये? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ये मेरा प्रोफेशन ही है, मतलब जूनियर सलमान, तो मैं स्टेज शो इवेंट एड शूट अभी रिसेंटली एक एड शूट किया हूँ मैंने कारनोट कंपनी का, और हनन मूवी में आने वाला हूँ जिसके राइटर डायरेक्टर साहब सर हैं, तो और जावेद सिद्दीकी सर हैं ना, तो आप इनसे भी बाइट लीजिएगा, इंटरव्यू लीजिएगा ये हनन के बारे में, तो आपको और ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा मेरा क्या टॉपिक है, क्योंकि ये तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ये सर बोल सकते हैं, जितने भी ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर करेंगे, है ना। और इसके अलावा मेरी बिंग भाईजान मूवी आई थी, एक्चुअली मेरी लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है, DD1 में दिखाई गई थी, इसके अलावा मैंने सलमान भाई के स्ट्रगलिंग डेज AVP न्यूज़ में दिखाए थे जो कि, और उसके अलावा मतलब सलमान भाई से रिलेटेड जो भी डूब वगैरह ये सब चीज़ें मतलब मैं करता रहता हूँ। तो आपने क्या सीख ली? सलमान खान बहुत सारे तकलीफों में भी रहे, जेल के केसेस गए हैं, और हाल ही में उन्होंने एक रेप कॉमेंट किया था, तो क्या मतलब आप क्या सीखते हैं सलमान खान के? देखिए इससे पहले भी देखिए, इसमें तो मैं सीधा बोलूँगा, भले ही आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं कुछ भी है, लेकिन मैं इसमें सीधा ये बोलूँगा कि उनको सज़ा नहीं हुई थी, लेकिन इससे पहले ही मीडिया ने इस चीज़ को बोला था कि लाइक वो ये है वो ये है, तो पूरी दुनिया ने सोच लिया कि हाँ वो गलत है, लेकिन असली जो आता है रिजल्ट वो आता है जस्टिस, जो जब जस्टिस में वो क्लीन चिट हो गए लाइक क्या बोलते हैं बाइज्जत बरी, तो आप क्या मानेंगे हमारा लॉ सही है या हमारा लॉ गलत है? नहीं नहीं, एक्चुअली मीडिया जब दिखाना, एक्चुअली हाँ आपने जो सवाल किया तो अब मेरे को आंसर देना तो बनता है ना, तो जब आपने क्वेश्चन किया है वैसा तो मैं तो आंसर करूंगा कि भाई आप लोग यदि ये इस तरह से शुरू से नहीं बताते थे मतलब उनको कि लाइक हिट एंड रन केस, तो लोगों को ये नहीं पता चलता था, लोग तो आज भी ये सोचते हैं कि वो गलत है, लेकिन जब जस्टिस आता है उसके बाद हमको बोलना चाहिए, हम किसी को पहले नहीं बोल सकते हैं कि भाई हम लोग नहीं हैं, हम लोग लॉ नहीं हैं, हम लोग जज नहीं हैं कि हम लोग बोल सकते हैं, उससे मैंने आपको वो बोला ना, उससे सीख लेने का कुछ नहीं है, वो टॉपिक से सीख लेने का नहीं है, मैंने आपको बताया मैंने किस चीज़ से सीख लिया, मैंने उनके सोशल वर्क से सीख लिया, आज मैं उनसे इंस्पायर होकर सोशल वर्क करता हूँ अलग अलग, मतलब बिंग सलमान फाउंडेशन, अभी सुल्तान मूवी मैंने स्पेशल चिल्ड्रन को दिखाई, हाउस ऑफ चैरिटी,
वो सब भी आपको दिखाना चाहिए। जैसे कि अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये जब आएगा तो पता चलेगा कि भाई उनसे इंस्पिरेशन लेके आज फैंस क्या करते हैं। मैं फैन भी हूँ उनका, बहुत बड़ा लुक लाइक हूँ मैं, लेकिन फैन भी हूँ। हाँ, मैं इस लुक का यूज़ कर रहा हूँ बाकी जो भी फैंस हैं उनको सोशल वर्क कराने के लिए, इसलिए मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ। ऐसा और सर, जब आप रस्ते में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या रिएक्शन होता है? हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि वो जब फोटो वगैरह खिंचाते हैं तो उनके चेहरे में स्माइल देख के मुझे मैं तो भगवान को मतलब थैंक्स बोलता हूँ कि मैं उनके चेहरे में एक स्माइल ला सकता हूँ। ऐसी टेंशन भरी जिंदगी में उनके चेहरे में यदि एक स्माइल आती है तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, मैंने बताया हनन मूवी आने वाली है। हनन जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें हमारे शान भाई आज़ाद सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं उसके अंदर, और वो ये रोल अदा कर रहे हैं जिसका नाम है नवीद, इज अ कैरेक्टर ऑफ द। इसमें फिल्म के अंदर ये बंदा सलमान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन है और फिल्म बेस्ड स्टोरी जो है वो बेस्ड ऑन फॉल्स एनकाउंटर के ऊपर है, जिसमें 5 किरदार हैं और बहुत सुपर हैं वो, और जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं पर वो शायद कुछ लॉ सिस्टम की वजह से, इसको तकरीबन 3 महीने लगेंगे और शूट स्टार्ट होने में, कास्टिंग चल रही है उसकी भी।